अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की ये वीडियो एक अपडेट टाइप की होने वाली है। ओप्पो रेनो 7 वाला फ़ोन बहुत ही जल्द चाइना के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, और इससे पहले रेनो 6 भी लॉन्च हुआ था उधर, लेकिन पाकिस्तान में पुराने डिज़ाइन के साथ गया है। लेकिन रेनो 7 वाला फ़ोन जो होगा वो ग्लोबली डिज़ाइन के साथ पाकिस्तान में आ सकता है। तो इसमें 6.5 इंच का OLED वाला डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। ये डायमेंसिटी 1200 वाला 5G चिपसेट है। इसमें 8GB रैम है, 12GB रैम वाला ऑप्शन भी है, LPDDR4X वाली रैम है, और इसमें 128GB स्टोरेज है जो कि UFS 3.1 वाली है। 4500 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जर है, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें, जो सोनी का लेंस है IMX615 वाला, और 50 मेगापिक्सल का बैक पे मेन कैमरा है, ये भी सोनी का सेंसर है, इधर IMX766 वाला, और इधर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट सेंसर है। तो नेक्स्ट वीवो Y15S वाला फोन है। ये एक बजट रेंज फोन है जो पाकिस्तान में 20,000 की रेंज में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है इसी मंथ के लास्ट में, जिसकी प्राइस पाकिस्तान ने 20,000 तक किया है। LCD वाला डिस्प्ले है, 6.5 इंच का, इसमें 720p रेजोल्यूशन वाला, और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गो एडिशन वाला है। MediaTek P35 वाला चिपसेट है, 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, 13 मेगापिक्सल का बैक पे कैमरा है, 2 कैमरे है बैक पे, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 10 वाट का चार्जर है। तो वीवो इतने खास फोन लॉन्च नहीं कर रहा 2021 की बात करें तो। नेक्स्ट जो फोन है वो सैमसंग का है, A सीरीज के अंदर A53 वाला, जिसका काफी लोग वेट भी कर रहे होंगे। अभी तो आपको A52 वाला फोन मिलता है जो काफी अच्छा फोन है, अगर आपको कैमरा के लिए एक स्टेबल किस्म का फोन चाहिए तो। A53 वाले फोन में भी काफी डिजाइन आपको स्लिम मिलेगा, जिसमें 3.5mm जैक भी निकाल दिया गया, और फ्लैट डिस्प्ले के साथ ये आ रहा है, बैक भी आपको फ्लैट ही मिलती है, ग्रिल ग्लास की सपोर्ट आपको मिलेगी, पंच होल वाला डिस्प्ले है इसमें जो कि सुपर एमोलेड वाला है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ये बिग बैटरी के साथ आपको फोन मिलेगा, जिसमें 4500 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग 25 वाट तक मिल सकती है। तो ये फोन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ सैमसंग का जिन्होंने फ्लैगशिप फोन लेना होता है बजट रेंज तक प्राइस होती है, तो गैलेक्सी S21 FE यानी फैन एडिशन वाला फोन आपको मिल सकता है पाकिस्तान में भी, और ग्लोबली इसकी इमेजेस वगैरह निकल कर आ चुकी है, जिधर आपको वही S21 सीरीज की तरह का डिजाइन मिलता है, लेकिन इसमें कलर वगैरह के एडिशन किए गए हैं, जिसमें ऑरेंज और ब्लू कलर देखने को मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 888 या Exynos 2100 वाला इसमें चिपसेट होगा, सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है इसमें, 6GB रैम वाला इसमें भी ऑप्शन मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 4500 mAh की बैटरी और 15 वाट का फास्ट चार्जर है इसमें। तो ये दोस्तों एक मिक्स टाइप अपडेटेड वीडियो थी, पसंद आई हो लाइक जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।